सब्सक्राइब करें जीपी एडवाइस चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। चैप्टर फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये जैसे आपने बताया पिछली वीडियो में, आपने देखी नहीं मेरी फर्स्ट और सेकंड जिसके मैं सोशल स्टडी का चेकिंग सिस्टम वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी देख लेना, और इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर समझाया वो नहीं देखी तो वो देख लेना। चलो दोस्तों, चैप्टर फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्यों अपने की, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन मतलब कि दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं उसको कहते हैं, जब अपने मतलब एक कंट्री से ज़्यादा मतलब कि दूसरी कंट्री भी अपनी कंट्री में आकर ट्रेड कर सकते हैं और हम भी दूसरी कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसका मेन एग्जाम्पल सही में इसका ये मतलब है, लेकिन इसी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी क्या थी और अब क्या है, ये चैप्टर फोर्थ के अंदर। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ, अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको मैसेज करके आप करोगे तो मैं आपको आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। जब एक कंपनी मतलब कि दूसरी कंपनी दूसरी मतलब दूसरी कंट्री कंपनी के साथ अपने कैलिब्रेट होती है, मतलब कि दूसरी कंपनी के साथ मतलब वो ज्वाइन करती है, उसके साथ मतलब कि पार्टनरशिप करती है, उसे कहते हैं MNC, ठीक है। जब कोई मतलब कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ कैलिब्रेट होती है उसे कहते हैं MNC, ठीक है दोस्तों। MNC पढ़ के ज़्यादा नहीं, ये इसमें से दो नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, एक पढ़ लेना इस चैप्टर के अंदर। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको, आप लोग टाइम समझ लेना। और व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इससे मैं से लिख के ले लो तीन या फिर दो नंबर क्वेश्चन, गारंटी तीन या दो नंबर क्वेश्चन इसमें से आएगा। फोर्थ जनरेशन एंड इंटरग्रेशन ऑफ मार्केट, इसमें से दो नंबर क्वेश्चन समझ लो आप, मे भी आ सकता है। मैं आपको मेन टॉपिक बता दूंगा आपको इन चैप्टर में से, तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप मेरे को कॉल कर सकते, कॉल तो मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा फोन आ रहे हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा। फैक्टर दैट हैव द अनेबल ग्लोबलाइजेशन, ये आ जाएगा आराम से आपको दो नंबर की, ये आ सकता है आपको। मैं देखो अब हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो मत इससे आप पूरे चैप्टर ना पढ़ो, ठीक है। इसमें से आपको आएगा व्हाट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी फुल फॉर्म रन कर लें WTO की, इसमें से दो नंबर क्वेश्चन आ सकता है। पांच नंबर क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्वेश्चन पांच नंबर वाला ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर में पांच नंबर क्वेश्चन एक ही आ सकता है जो है ग्लोबलाइजेशन, ठीक दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन की ढंग से तैयारी करना, क्यों मैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर इसमें पूरा ढंग से पढ़ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इस चैप्टर में मेन है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी आराम से, ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर इकोनॉमी का बेस्ट चैप्टर लगता था मेरे को, और इसी में से तीन नंबर क्वेश्चन तीन या दो नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पर डिपेंड मत रहना, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मैं अपनी बता सकता हूँ कि भाई मेरे को जो लगता है जिसमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, और आप मेरे साथ डिपेंड रहोगे तो फिर आप बोलोगे वहाँ में अगर को पेपर में नया एक्सचेंज हो गया पेपर तो आप मेरे नाम लगा दो, फिर मेरी उसमें अभी मैं कह रहा हूँ कि उसमें मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, और जो मतलब कि मेरे को CBSE साइट पे तो दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ, और ऑनलाइन देखकर वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर चाहिए आपको तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। द स्ट्रक्चर फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये दो नंबर क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। बस दोस्तों इसी से चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में इतनी मेन मेन क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर दोस्तों आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे कॉल कर लो या फिर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज। थैंक यू फ्रेंड्स की सपोर्टिंग चैनल GP एडवाइस।